लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा प्रशासन, जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसे लेकर प्रचार प्रसार में लगा है। शहर से लेकर गांवों तक विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इमझरा गांव के किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात करते हुए कहा कि वे मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि में उनकी फसलों को 100% नुकसान हुआ था, इसका सर्वे भी हुआ, लेकिन मुआवजा केवल गांव के 5% किसानों को ही मिला, वो भी पर्याप्त नहीं मिला। आज जिला मुख्यालय पहुंचे इमझरा के किसानों ने इस संबंध में SDM को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्या से अवगत कराया है। ज्ञापन में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार और मतदान नहीं करने की बात कही गई है। किसानों का कहना है कि फर्जी तरीके से सर्वे कर गिने चुने किसानों को मुआवजा दे दिया गया, जबकि ओलावृष्टि से गाँव के सभी किसानों की फसलों को 100% नुकसान हुआ था, जिन पर 5% किसानों को मुआवजा मिला है। उन्हें भी नहीं केवल बराबर मुआवजा दिया गया, जबकि फसलों को नुकसान अधिक हुआ है। किसानों ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम चुनाव का बहिष्कार कर मतदान नहीं करेंगे। इस मौके पर गांव के मेहरबान सिंह, हरनाम सिंह, शिवराज राजा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सर जी है कि किसानों के हक में अगर नैतिकता से सब काम हो पूरा तो सबको एक साथ मतलब वो मिले तो जनता में वो रखो उसकी भावना पैदा हो रही है। तो जो इस हिसाब से मतलब जनता में एक अलग प्रकार की क्रांति इसी पैदा होती है और इससे गलत माहौल बनता है, इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए कि जनता के पक्ष में शासन से सही नैतिकता से काम हो, सबको समान भाव से मतलब मुआवजा मिले, सबको प्राप्त नुकसान सबको एक ही से गांव में रहने वालों के सबका एक सा नुकसान हुआ है और उसमें सबको वो हुई थी पत्रकारिता द्वारा, तो उस हिसाब से सर्वजनक दृष्टि से मतलब सबके लिए सोच रखकर सही काम हो। अभी केंद्रीय मंत्री के साथ प्रशासन भी आया था और मुआवजा वितरित किए थे, कितने लोगों को क्या मुआवजा मिला? उसमें सर भाई 5% के करीबन 10% मान लो। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मुआवजा मिल रहा है। सर वो शुरुआत कर दी थी बनने मतलब कि शुरुआत हो चुकी है मुआवजे की, उन्होंने शुरुआत कर दी थी मुआवजा को बोल के यहाँ जी स्टार्टिंग हो गया मिलेगा, लेकिन अब जो बीच में आके एक लिस्ट जारी करके और जो रुक गया है इसके बाद में फिर मुआवजा नहीं मिल रहा है प्राप्त जनता और ज्यादा हो रही है क्या, तो कुछ लोगों को ही ना मिलता भविष्य में, कुछ लोगों जो नहीं मिल रहा है पूरे कुल तो वे और ज्यादा सो रहे हैं कि जे तो हमारे साथ अन्याय हुआ क्या, खुद अपने अपने कुछ खास आदमी चुन लिए गए या क्या बात है या लहदे के काम हुआ है। पटवारी मुझे बता रहे हैं पटवारी डर ही नहीं रहा है किसी जगह उनकी और पहुंच बता रहे हैं, तहसीलदार ने खुद कही मैं अभी बात करके आऊँ कि पटवारी इतने भी हो गए आजकल पावरफुल के भी किसी की नहीं सुनती, हमारे तक नहीं सुन रहे जगह तहसीलदार साहब ने जी हमने हल्का नंबर 33 से ही है वो अपने 64 हुआ 33 हल्का नंबर 33 तहसीलदार मैंने स्वयं कहा कि पटवारी से हम इतने परेशान है कि अब बिल्कुल भी हमारे काबू में नहीं है कुछ ऐसे पटवारी याद नहीं कभी बिल्कुल।